देर आर सम कॉम्बिनेशन दैट मेक योर प्रिपरेशन इजियर बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जिनको आप साथ में कंबाइन कर सकते हो दैट विल हेल्प यू इन कवरिंग ऑल द बैकलॉग एज वेल एज रिविजन ठीक है तो जिन बच्चों का बैकलॉग क्रिएट हो गया है या जिनको रिवाइज करना है उनके लिए कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स आर वेरी वेरी गुड पहले हम उनकी बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट चैप्टर दैट यू कैन जस्ट डू इंडिविजुअली जिसके लिए आपको कोई अलग से प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है आप चाहो तो कुछ चैप्टर्स को सीधा सीधा उठा के उनको कवर कर सकते हो ठीक है ओके द फर्स्ट थिंग इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जो ट्वेल्थ क्लास की यूनिट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स ये दोनों चैप्टर्स को आप कंबाइन कर सकते हो बेटा विद मॉर्फॉलोजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स क्लास इलेवेंथ ठीक है सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स कैन बी कंबाइंड विद मॉर्फॉलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो गो फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो सेकेंड पार्ट है सीड वायबिलिटी एंड सीड जर्मिनेशन है ना वो वाला पार्ट आप कवर कर सकते हो सो दिस बिकम्स क्वाइट कोहेसिव आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखोगे जो आपको पहले शायद क्लिक नहीं हुई थी कि बट क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरे में फैला हुआ है अब कॉन्सेप्ट पूरे में फैला नहीं हुआ है यू हैव द कॉन्सेप्ट इन वन पर्टिकुलर प्लेस नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के साथ सेल साइकिल वाले यूनिट को आप सेल साइकिल सेल वाला चैप्टर आप कर सकते हो इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सिर्फ ट्वेल्थ में भी हो और आप पहली बार पढ़ रहे हो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस तो आप पहले ये इंश्योर करो कि आपको सेल साइकिल सेल डिविजन वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो सो यू कैन कंबाइन एंड चैप्टर्स भी दोनों साइज uh, वाइज देखोगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस इज क्वाइट अ बिग चैप्टर एंड सेल साइकिल सेल इज अ स्मॉल चैप्टर तो आप वो दोनों कंबाइन कर सकते हो साथ में ठीक है सेकेंड कॉम्बिनेशन ये हुआ थर्ड कॉम्बिनेशन आपके पास हो सकता है ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लास इलेवेंथ एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास ट्वेल्थ क्योंकि एंजाइम्स डीएनए और ये सारी चीजें ना काफी ओवरलैपिंग है तो वो चीज आपको हेल्प कर जाएगी और आपको बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा कुछ पार्ट आप हटा भी सकते हो इनिशियल वाला ठीक है डीएनए का स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट सो दैट इज अनदर थर्ड कॉम्बिनेशन दैट इज वेरी वेरी गुड टू स्टडी टूगेदर क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट एक साथ एकदम बढ़िया से क्लिक होते हैं चाहो अगर अगर चाहो तो ट्वेल्थ का ही ट्वेल्थ के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हो जैसे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस विद बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट जो पीछे है ठीक है अब बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट वैसे अपने आप में ही काफी ट्रिकी uh, रहता है क्योंकि तुम लोगों को इतना ज्यादा विजुअलाइज नहीं हो पाता दैट्स ओके बट इफ यू वॉन्ट यू कैन कंबाइन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड बायोटेक्नोलॉजी अच्छा इसके अलावा यू कैन गो फॉर हाँ यू कैन कंबाइन माइक्रोब्स स्ट्रैटजीज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्ट्रैटीज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ठीक है तो ये सारे ना डायवर्सिटी क्योंकि वही माइक्रोब्स के नाम बार बार आ रहे हैं ठीक आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स कंफ्यूजन क्रिएट हो गया बट एक्चुअली ऐसा है नहीं वेन यू लुक इथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको ना स्टार्टिंग में नया नया ही बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए ठीक फिर उन्हीं एग्जाम्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे सिलेबस के अंदर सारे चैप्टर्स में फेंक दिया है अब क्या हो रहा है ऐसे चैप्टर्स उठाने क्लास ट्वेल्थ से जिनमें काफी सारे यूनिट्स हैं काफी सारे ऐसे चैप्टर्स uh, हैं जिनमें बार बार ये एग्जाम्पल्स आ रहे हैं सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजेस वाला चैप्टर है जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स बार बार रिपीट होते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ोगे इस चैप्टर को तो ज्यादा जल्दी क्लिक हो पाएगा कि कौन से वाले किंगडम और कौन से वाले ग्रुप की बात हो रही है ठीक है सिमिलरली माइक्रोव इन ह्यूमन वेलफेयर बहुत सारे एक्साम्पल्स देखोगे रिपीट है स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर भी आप छोटा चैप्टर है और काफी ऐसे वेटेज भी नहीं है उसका तो so, सिर्फ एनसीआरटी से भी करोगे तो चलेगा इट्स नॉट अ वेरी हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर बट इट्स ओके यू कैन जस्ट कवर इट ठीक है इसके साथ साथ मिनरल न्यूट्रिशन को भी इसके साथ चाहो तो कंबाइन कर सकते हो मिनरल न्यूट्रिशन का नाइट्रोजन साइकिल वाला पार्ट नाइट्रोजन साइकिल में क्योंकि एग्जाम्पल्स काफी आ जाते हैं स्टार्टिंग में एंड वेन यू लिंक दैट टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपने आप ही दिमाग में से होगा यार ये एग्जाम्पल तो मैंने यहां भी पढ़ा था यहां भी पढ़ा था यहां भी पढ़ा था, 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 था ये तो सब में है ठीक है सो दैट इज दैट इज हाउ यू क्रिएट कनेक्शन इन योर ब्रेन दैट इज हाउ यू क्रिएट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स ठीक है क्योंकि क्लिक होता है अदरवाइज सब कुछ ऐसे स्कैटर्ड सा पड़ा है पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है ठीक है तो ये पांच तो मेरे फेवरेट कॉम्बिनेशंस हो गए रिप्रोडक्शन वाली यूनिट के साथ प्रिंसिपल्स के साथ एक कॉम्बिनेशन सेल साइकिल वाला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस विद बायोमॉलिक्यूल्स दिस यूनिट विद व्हाट यू कॉल क्या बताया था मैंने मिनरल्स ये माइक्रोब्स वाला पूरा यूनिट ठीक है फिफ्थ आई वुड सजेस्ट आप जा सकते हो फिफ्थ कॉम्बिनेशन के लिए इफ यू वांट सेल वाला चैप्टर फिजियोलॉजी के साथ कर लो प्लांट फिजियोलॉजी के साथ एनिमल फिजियोलॉजी नहीं एनिमल फिजियोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा है ठीक है सो आप अगर चाहो तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ सेल साइकिल नहीं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला जो चैप्टर है उसको आप प्लांट फिजियोलॉजी के साथ कवर कर सकते हो ठीक है तो क्योंकि उसमें एक चैप्टर आपका रेस्पिरेशन वाला है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया काफी अच्छे से कवर होता है एक चैप्टर फोटोसिंथेसिस वाला है जिसमें क्लोरोप्लास्ट बड़े अच्छे से कवर होता है सो यू विल गेट द जिस्ट ऑफ टू चैप्टर्स टुगेदर ठीक है ये तो पांच रेकमेंडेशन इधर हुए पांच ऐसे यूनिट्स जो आपको आगे पीछे कुछ नहीं पता है तो भी अपने आप में वो यूनिट काफी है ठीक है देखो कुछ तो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी है वो यू कैन नॉट स्किप अब सेल में माइटोसिस मियोसिस क्या होता है ये नहीं पता होगा सेल में कौन से ऑर्गेनलीज होते हैं ये नहीं पता होगा तो क्या गोबर बायोलॉजी पढ़ोगे ठीक है तो वो तो बेसिक्स है बेटा वो इसलिए आपको टेंथ तक की नॉलेज तो चाहिए ठीक है इलेवेंथ ट्वेल्थ में जब आप रिवाइज करें तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए इसके बाद ऐसे यूनिट्स दैट यू डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग टू कंबाइन इट विद अपने आप में बहुत फुल फ्लैश यूनिट्स हैं प्लस वेटेज भी हाई है उन यूनिट्स का ह्यूमन फिजियोलॉजी ठीक है इकोलॉजी इकोलॉजी इतना प्यारा यूनिट है कहीं नहीं जाना सिर्फ एनसीआरटी आंख बंद करके सिर्फ एनसीआरटी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा इसके अलावा यू हैव हाँ एक बड़ा अच्छा चैप्टर रह गया है प्लांट किंगडम रह गया और एनिमल किंगडम रह गया प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम एनसीआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम दोनों आप एक साथ कंबाइन कर सकते हो इवन विद लिविंग वर्ल्ड लिविंग वर्ल्ड छोटा सा चैप्टर है सो so ये एक साथ कर सकते हो अगर बहुत ओवर हो जा रहा है ना कि मैम एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल हो गए हे भगवान दिमाग खराब हो गया तो ऐसे में यू कैन कंबाइन लिविंग वर्ल्ड विद प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम अलग से कर लो ठीक है तो आपका डिवाइड हो जाएगा डे वाइज दिस इज दैट यू कैन डू जिसके लिए आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए अपने आप में ये बहुत है ठीक है ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने बोल दिया इकोलॉजी बोल दिया मैंने बायो टेक्नोलॉजी ऑल्सो यू कैन टेक एज सेपरेट यूनिट एंड द लास्ट इज एनिम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट एनाटमी अब ये ना यूनिट्स आई वुड सजेस्ट प्लांट एनाटमी के लिए नोट्स रेफर कर लेना ठीक है क्लास नोट्स रेफर करो दैट इज बेटर बट इफ यू डोंट हैव द टाइम जस्ट रीड एनसीआर एंड सॉल्व प्रीवियस या क्वेश्चन अब मेरी बात ध्यान से सुनना ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है एंड गुड दैट यू केम टिल योर टू यू नो पूरा वीडियो देखा आपने टू अंडरस्टैंड दिस अगर आपका टारगेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का नीट पेपर है और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो चमत्कार नहीं होगा ठीक है कुछ अचानक से एकदम से प्रकट होकर सुबह एकदम से ऐसा नहीं होगा ओ माई गॉड मैं तो सुपर इंटेलिजेंट बच्चा था मैंने तो रीड किया और मैं वो सब हो गया ऐसा नहीं होता है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड यू नीड टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक अबाउट इट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि जो आता है उसको एक बार ढंग से कवर करा जाए और उसको एक बार ढंग से देखा जाए ठीक है तो इवन इन चैप्टर्स लाइक प्लांट अनाटमी आई नो आप लोगों को बहुत डर लगता है प्लांट अनाटमी से लेकिन पता नहीं क्यों अगर मेरे साथ क्लास में पढ़ा तो नहीं लगना चाहिए बट स्टिल इफ यू आर स्कैड ऑफ प्लांट अनाटमी प्लांट किंगडम या कोई भी ऐसा चैप्टर जिससे खौफ है समझ रहे हो डर लगता है कि यार ये तो मैं छू ही नहीं रहा ये तो मैं पूरा ही छोड़कर जा रहा हूँ

उस चैप्टर में से जो जो पार्ट आपको आता है समझ आता है या थोड़ा सा भी क्लिक होता है एटलीस्ट उस पार्ट को आप कवर कर लो जैसे फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट अनाटमी आई नो यू आर स्केयर ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट बट एटलीस्ट उसके टाइप्स ऑफ टिश्यूज पता है बाहर का कॉम्बिनेशन पता है कॉर्क वाला पार्ट पता है कुछ कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स होंगे जो आपको पता है एटलीस्ट है ना तो उनको जरूर एक बार देख लेना जिस पार्ट से बहुत ज्यादा डर लगता है एंड यू फील कियाप तीन घंटे बर्बाद करूंगा इससे अच्छा मैं एक चैप्टर पूरा रिवाइज कर लू एबसोलूटली फाइन ठीक है सिमिलरली प्लांट किंगडम में भी अगर आप देखते हो प्लांट किंगडम में आपको एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल पता है एल्गी समझ में आ रहा है ब्रायो समझ में आ रहा है इट इज टेरिडो एंड जिम्नो दैट इज थोड़ा ट्रिकी जो समझने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है ठीक है तो उस पार्ट को वैसे तो आई वुड सजेस्ट एक बार ये पूरा वन शॉट टाइप देख लो मेरा और उसमें कवर हो जाएगा बट अगर नहीं हो रहा है फिर भी खौफ है मैम बहुत बार पढ़ लिया नहीं आ रहा है इसके क्वेश्चन तब भी सॉल्व नहीं हो रहे डोंट लीव कंप्लीट प्लांट किंगडम क्योंकि एल्गी से क्वेश्चन काफी आते हैं एंड एल्गी इज द इजी पार्ट तो उसको क्यों छोड़ना है पूरा मत छोड़ के जाओ चैप्टर जो पार्ट्स एटलीस्ट समझ में आ रहे हैं उनको कवर कर लो ठीक है सो आई होप दिस हेल्प्ड एंड इफ यू हैव एनी अदर सच रिकमेंडेशन या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस बारे में थोड़ा और बता दो मैम तो प्लीज डू मैंशन इन द कॉमेंट एंड डू नॉट फोरगेट टू तो सब्सक्राइब एंड पूरा वीडियो देखा करो प्लीज क्योंकि वैसे ही पाँच छह मिनट के तो वीडियो बनाती हूँ मैं तो उसमें एटलीस्ट उतना तो कवर कर ही सकते हैं है ना कॉन्सेपचुअली भी या डाउट भी है तो जो अभी तक मैंशन डाउट थे उनकी लिस्ट मेरे पास है डोंट वरी आई विल बी आंसरिंग दैम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज बट Uh -huh. Or we could please do mention in the comment section and all the very best for your preparation.